सनातन धर्म में तीज त्योहार और व्रत का विशेष महत्व होता है, लेकिन साल की 12 अमावस्याओं में से ज्येष्ठ अमावस्या का स्थान सबसे खास है, क्योंकि इस दिन न केवल शनि जयंती मनाई जाती है बल्कि यह दिन पितृ दोष और ग्रह दोष से मुक्ति पाने का भी उत्तम समय है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या आज यानी 6 जून को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथियां 2 प्रकार की होती हैं, पितृ कार्य श्राद्ध अमावस्या और देव कार्य स्नान दान अमावस्या। पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार पितृ कार्य अमावस्या पर पूर्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए किए गए कर्मों का फल सीधे प्राप्त होता है। हिंदू जो पंचांग है उनके अनुसार 12 महीनों के जो अमावस्या तिथि होती है वह अमावस्या तिथि 2 प्रकार की होती है। एक होती है पितृ कार्य श्राद्ध अमावस्या और दूसरा है देव कार्य स्नान दान अमावस्या। तो जो पितृ कार्य वाला जो है अमावस्या, इसमें हमारे अपने परिवार के जितने पूर्वज जो पितर बन चुके हैं उनके निमित्त जो है इस दिन तर्पण श्राद्ध इत्यादि इत्यादि करना चाहिए। इस दिन पितरों को जो भी कुछ हम पितरों के निमित्त करते हैं वो उनको प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व सुहागिन महिलाओं के लिए भी बहुत खास है। इस दिन वे वट सावित्री व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वट वृक्ष के नीचे पूजा करके सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ज्येष्ठ अमावस्या का दिन पितृ दोष और ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजा और तर्पण का आयोजन भी होता है। पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि इस दिन स्नान, पितरों का श्राद्ध और दान करने का विधान है। अमावस्या तिथि पर पुण्य कार्य करने से परिवार में खुशियां बनी रहती हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा में बहुत ही धूमधाम से वट सावित्री व्रत माताएं जो हैं रखती हैं, इस वट सावित्री की अमावस्या की पूजन में बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति के दीर्घायु सुखमय जीवन की कामना को लेकर के रखती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि इस बार 6 तारीख गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जो कि वट सावित्री पूजन तो माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर करेंगी, लेकिन श्राद्ध पितृ अमावस्या और देव कार्य स्नान दान अमावस्या भी इसी दिन है। इस दिन तीर्थ यात्रा गए श्रद्धालु या घर में तीर्थों को आमंत्रित करके स्नान करते हैं। इससे देव कार्य अमावस्या और स्नान दान अमावस्या का फल मिलता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। पितरों को जल अर्पण और धूप देने से घर में नकारात्मकता नहीं आती और कलह का अंत होता है। जो कोई भी श्रद्धालु तीर्थ यात्रा गए हैं या तीर्थ स्नान करना चाहते हैं, कई अपने घर में भी तीर्थों को आमंत्रित करके स्नान करते हैं, उनको देव पितृ देव कार्य अमावस्या स्नान दान अमावस्या का फल मिलेगा। और जो इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं उनसे पितर जो है तृप्त होते हैं। पितरों को श्राद्ध अमावस्या के दिन विशेष करके उनके निमित्त जल अर्पण करना चाहिए और धूप देना चाहिए। इससे परिवार में किसी तरह की निगेटिविटी नहीं आती, कलह नहीं होता है, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों को तृप्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। पितरों के तृप्त होने से हर तरह की सुख सुविधाएं और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर पितर अतृप्त रह गए तो परिवार में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए इस ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों को न भूलें। पितरों के तृप्त रहने से हर तरह की सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं जीवन में प्राप्त होती हैं। पितर तृप्त हैं तो पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं और पितर यदि अतृप्त हुए तो तरह तरह की परेशानियां जो है घर में प्रारंभ हो जाती है। लोकल 18 के लिए रायपुर से रामकुमार नायक की रिपोर्ट।